तो सभी लोग जी तैयार हो गए हैं और क्रियांश भी एकदम पूरा एक्साइटेड है जाने के लिए। तो सभी लोग जी यहाँ पर हल्दी के लिए हो गए हैं तैयार। तो देख सकते हैं सभी लोग अपना पीला रंग का जो कपड़ा होता है सभी लोग पहन चुके हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है किशन कुमार, नूपुर रानी का मायके है। बिल्कुल जी, तो हमारे बड़े भैया का ससुराल हुआ यहाँ पर। तो सभी लोग जी गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर फंक्शन होने वाला है। तो देख सकते हैं आगे में जो है शमियाना जो है बन रहा है अभी। जब यह पूरा बन जाएगा तब कितना खूबसूरत लगेगा, अभी ही इतना अच्छा लग रहा है ये। पति पत्नी शादी होने वाली है। बिल्कुल, ससुर देख करके तो खुश हो जाएगा। अच्छा, तो ये देख सकते हैं ये है हमारी दुल्हन का ज्वेलरी जो की बहुत सुंदर है। तो सभी लोग जी यहाँ पर बैठ गए हैं और देख सकते हैं लोकगीत जो है चालू है और यहाँ पर चल रहा है उपटन का रसम। तो सभी लोग एक एक करके जो है उपटन लगा रहे हैं। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 6:15 और इस समय जो है जिया तैयार हो रही है। सभी लोग तैयार हो चुके हैं, बस हम ही जो है अपना तैयार होना बाकी है क्योंकि अभी जो है गाड़ी सब को साफ किया, उसके बाद सारा सामान सब नीचे शिफ्ट कर दिया है गाड़ी में और उसके बाद अब बारी हमारी भी तैयार होने की। बस बचा हुआ है उसका डायपर और तुम्हारा ये पर्स, तो लेकर के जल्दी जाकर के गाड़ी में रख दो। जूता चप्पल वाला वो शायद रह गया है, ठीक है वो ले लेता। तो सभी लोग जी तैयार हो गए हैं और क्रियांश भी एकदम पूरा एक्साइटेड है जाने के लिए। बस चलो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी लोग जी यहाँ गाड़ी में बैठ गए हैं और जाना तो था मम्मी को भी, मम्मी की हो गई है तबीयत खराब तो जिस वजह से मम्मी नहीं जा पाएगी। और क्रियांश फिलहाल जो है बाबा को अपना बाय बाय अपना उधर के पास अच्छा करा आइए। हाँ तो अच्छा है जी, तो अब यहाँ से चलते हैं और यहाँ से 3 घंटे का लगभग सफर है और 3 घंटा है और 3 घंटे में लगभग हमको 120 किलोमीटर। हम लोग जी यहाँ पर पेट्रोल पंप में रुके हुए थे और अपना जो है तेल डलवा लिया और क्रियांश जिद कर रहा है यहाँ पर आने के लिए। ड्राइविंग सीट पर आएगा ये। ओए होए होए, कार्टून चला दो, और कोई उपाय नहीं अब। तो हम लोग को जी जहाँ पहुँचना था हम लोग फैली वहाँ तो पहुँच गए हैं और सबसे पहले जा करके जो है गाड़ी लगा देते हैं अपना और फिर उसके बाद जो है सभी सबको मुलाकात भी करवाएंगे। दबा के लगा देते हैं उधर, कोई बात नहीं कहीं रहेगा क्या हो। अच्छा ठीक है तब चलिए। कहीं बंद कर दियो बहुत सुंदर। पहुंच गए जी, सबसे पहले हम आ गए हैं अपने भैया के ससुराल। जो हमारे किशन भैया हैं वो विशाखापट्टनम में है, आपको भी दिखाया था भैया और भाभी को। तो उन्हीं के ससुराल सबसे पहले आए हुए हैं और जहाँ पर शादी होने वाली है हमारी बहन की, तो उनका जो घर है वहाँ से बगल में ही है। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं, अपना सामान सब सब कुछ रख लिया है और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और कुछ एक काम है तो अपना काम निपटा लेते हैं। किशन भैया का नाम नहीं बोलो, नूपुर का घर है। अच्छा ठीक है, हम किशन भैया ससुराल बोल रहे हैं। तो इधर है भाभी जी कॉल पर, प्रणाम भाभी जी। हाँ हम अपने ससुराल, हाँ हमारा ससुराल है, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंदर नहीं जाना चाह रहा है, क्या है पता नहीं, अंदर नहीं घुसना चाह रहा है खाली। बस हो गया,
2 hours later. तो सभी लोग जी यहाँ पर हल्दी के लिए हो गए हैं तैयार। तो देख सकते हैं सभी लोग अपना पीला रंग का जो कपड़ा होता है सभी लोग पहन चुके हैं। और यहाँ से हम लोग चलते हैं अब जिनकी शादी है उनके घर, और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। वहाँ संधीन का घर है जो मेरा बड़ा बेटा है किशन कुमार, अनुपुर रानी का मायके है। बिल्कुल जी, तो हमारे बड़े भैया का ससुराल हुआ यहाँ पर, तो एक तरह से हमारा भी ससुराल हुआ। तो यहाँ पर जो है काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और हमारा पहली बार हुआ यहाँ पर आना। मतलब मेरे रिश्ता से समझी या मधुबनी के रिश्ता से देवबर भाभी का रिश्ता, दोनों भागने वाला रिश्ता है। सूट करे कर तुम्हारा ही चर्चा चल रहा है। तुम जो इतना आदत खिला के रखा है नानी को परेशान कर दिया नानी के घर में, दादा के घर में करता है तो नानी के घर में क्या नहीं करता। जहाँ भी जाता है इसके पीछे दो आदमी ड्यूटी पर रहता है। दो आदमी तो कम पड़ता, पाँच आदमी कंघी कर दो तो पकड़ना। अरे पकड़ो 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 पकड़ो, ये देखो तो सभी लोग जी गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर फंक्शन होने वाला है। तो देख सकते हैं आगे में जो है शमियाना जो है बन रहा है अभी, जब यह पूरा बन जाएगा तब कितना खूबसूरत लगेगा, अभी ही इतना अच्छा लग रहा है यह। सभी लोग जी ये गाड़ी से उतर गए हैं और चल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर चल रही है पूरी तैयारी जोर शोर से शादी की। क्या हाल समाचार बालक? बढ़िया बढ़िया। हाँ मामी, मामी अभी ड्यूटी पर है, है। कोई बात नहीं, अब ड्यूटी से बाहर रहिएगा तो पैर छूना है हमको। हम अच्छा अच्छा, निपिए निपिए बिल्कुल। और बालक क्या हाल समाचार है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो, एकदम खुश रहिए, पुत्र का आगमन हो, रहिए सुहागवती पुत्रवती हो जाइए, एकदम एकदम भगवान पुत्र का आगमन भतीजा से पोता का। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले आपने शादी का ब्लॉग देखा होगा, तो इन्हीं दोनों की शादी में थे। बिल्कुल वही है पति पत्नी, शादी होने वाली है। बिल्कुल ससुर देख करके एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूब आशीर्वाद देते देख ली। अच्छा बहन से मुलाकात हुई तुम्हारी? और हम लोग एक साथ रहे ब्राह्मण टोली में, पुरानी बात तो बचपन की यादें ताजा हो रही है। ये टीवी देख लिया यहाँ, टीवी टीवी तब से कर। A few moments later. और ये देख सकते हैं ये है हमारी दुल्हन का ज्वेलरी जो कि बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो ननद की अभी शादी हुई थी ना सिल्लू दी की, वो उनका भी सेम ज्वेलरी था, सेम हाँ इयररिंग बहुत अच्छा लगा। और ये नत आप लोग कमेंट कीजिएगा ये नत ज़्यादा अच्छा है या ये, मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और रिमझिम को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने भी यही बोला है। हाँ ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 20 minutes later. तो सभी लोग जी यहाँ पर बैठ गए हैं और देख सकते हैं लोकगीत जो है चालू है, और यहाँ पर चल रहा है उपटन का रसम। तो सभी लोग एक एक करके जो है उपटन लगा रहे हैं। जी तुमको भी लगाना है ना उपटन? हाँ तो अच्छा, सभी एक एक करके लगाएंगे।
चिंता कर।